एक किलोमीटर छोटी है और 3 किलोमीटर दूर। लोगों ने ताले बांधे हैं यहाँ पे सारे, बोलो जय माता दी। दो रास्ते फट गए हैं लेकिन किस तरफ जाए। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया, आई होप आप भी अच्छे होंगे। आज आ गया हूँ मैं बिल्कुल पहाड़ों के बीच, क्योंकि पहाड़ों पे ही चढ़ना है। और मैंने जो हाइकिंग आज तक की नहीं है, लेकिन एक तरीके की जो हाइक की थी वो बचपन में की थी, जब कभी वैष्णो देवी गए थे तो उस टाइम पे चढ़ाई की थी। हालांकि वो चढ़ाई और ये चढ़ाई बिल्कुल अलग होने वाली है। सो आज मैं आया हूँ प्राय के स्तूलन, ये स्तवांगेर से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर है ये जगह। पहाड़ का नाम है बेसिकली, और इसको पल्पिट रॉक भी बोलते हैं। तो मैं बताऊंगा नहीं अभी कौन सी रॉक है, ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा, आप शायद पहचान ही जाएंगे कि हाँ ये कहीं ना कहीं हमने देखा हुआ है, और इसी चक्कर में आप पूरी वीडियो भी देख लेंगे। सो अभी हमने लगा दी गाड़ी पार्किंग के अंदर, और पार्किंग का यहाँ फीस है पूरे दिन का 250 क्रोन। और हमने जो लगाई इस तरफ को आप कुछ देख पा रहे होंगे पीछे, ये सारी एल बील मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की पार्किंग है। अपनी गाड़ी चार्जिंग में भी लगा सकते हैं हम, यहाँ पर स्लो चार्जिंग होगी लेकिन चार्जिंग हो जाएगी। सो अभी मैं अपना बैग दिखाऊंगा आपको, मैंने बैग में क्या क्या रखा है, मैंने कौन से शूज़ पहने हैं, क्या कपड़े पहन रहा हूँ मैं जाने के लिए, ऊपर क्या तैयारी है मेरी। 2 घंटे की हाइक है, 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, ऊपर आराम से मैं घंटा भर बैठने वाला हूँ। सो लगभग 5 घंटे हमको लग जाएंगे। अभी टाइम हुआ है 2 बजे में 10 मिनट एग्जैक्टली। सो 2 घंटे जाने के लगेंगे तो 4, 1 घंटा वहाँ रुकेंगे, 5 आने के 7, तो लगभग 7 साढ़े 7 तक आने का प्लान होगा। देखते हैं कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। मौसम अच्छा है, बारिश होनी रखी है, सब सूखा पड़ा हुआ है। सो आइए आपको दिखाता हूँ मैंने बैग में क्या क्या रखा है। खाई ये एक मैंने स्ट्रॉमबर्ग की अपनी जो फ्लीस होती है वो रख ली, अगर बाई चांस ऊपर ठंड मिली तो। ये विंड चीटर टाइप का है, हवा रोकेगा, ऊपर देखते हैं अभी कैसा मिलेगा। एक कुकीज़ रख ली है, ओरियो रख लिया है, एक चॉकलेट, ये एनर्जी ड्रिंक रख लिया है, बैटरी चार्ज कर लेंगे अगर बैटरी डाउन होगी तो अपनी खुद की। और 2 सेब रखे हैं, 3 केले रखे हैं, 2 योगर्ट के पैकेट रखे हैं, और एक चिप्स रखूँगा, 1 बॉटल बाहर रख ली है और 1 बॉटल अंदर रखूँगा। ये तो हो गई फ़िलहाल बैग की पैकिंग। बाकी ऊपर टी शर्ट पहनी है मैंने, नीचे मैंने जॉगर पहना है, और शूज़ मैंने ये वाले पहने क्योंकि इनकी ग्रिप मेरे को लगी सबसे बेस्ट। जो मेरे पास कलेक्शन थी जो मैं लाया था उसमें सबसे बेस्ट मुझे यही लगी। इस तरफ कैफ़े है और आपका रेंटल गेयर एंड वेयर भी है इस तरफ, अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं रेंट पे। इस तरफ कयाक्स वगैरह भी हैं, जैकेट्स वगैरह, शूज़ वगैरह सब कुछ मिलता है। और यहाँ से है ट्रेल की शुरुआत, ये वाइट जो आपको दिख रहा है, यहाँ चलने के बाद 2 घंटे लगने वाले हैं। 2:09 हो गए हैं तो अभी शुरू करेंगे बस इसको। पहला एक्सट्रीम ट्रेल आ गया है पूरा, स्टीप चढ़ने के बाद अभी ऐसी सीढ़ियाँ हैं चट्टान की, ये क्रॉस करनी है, और कोई नॉर्मल सीढ़ियाँ नहीं है, अच्छी खासी हाइट है इनकी। इस व्लॉग में अगर आपको मेरी आवाज़ के साथ साथ अगर सांस सुने सांस चढ़ते हुए तो यार माफ़ करना, क्योंकि चढ़ते चढ़ते व्लॉगिंग करना, सब सामान उठाना इतना इजी नहीं है। पेड़ों को देख के हॉरर मूवीज़ की याद आ गई है भाई, कि यहाँ से कोई भालू वालू ना निकल जाए बस यार। दिन में बस एक चीज़ का फ़ायदा ये रह जाएगा कि रात लेट होगी तो अंधेरा होगा नहीं, तो डर के मारे बंदगी फट जाए, मेरी नहीं फटेगी यार, नॉर्मल बंदगी बात कर रहा हूँ। और बिलीव मी यार, इस वीडियो को एंड तक देखना आप, मैं बता रहा हूँ अभी आपको शायद बोरिंग लग रही हो कि क्या पहाड़ चढ़े जा रहे हैं, क्या चीज़ को दिखते रही नहीं है, बिलीव मी लास्ट में जो चीज़ दिखाऊँगा ना मैं सीरियसली बता रहा हूँ, देखते ही आपका मन कर जाएगा वहाँ पर आने का, क्या मेरे को भी जाना है, ठीक है? तो इसलिए देखते रहो यार बस। 1 किलोमीटर चल के आ चुके हैं, 3 किलोमीटर और बचा हुआ है, चलो जी चलो बस। हालांकि मैं इतना धार्मिक हूँ नहीं अभी कई सालों से एथीस्ट हूँ, पहले मानता था, तो जब कभी गए थे वैष्णो देवी तो वहाँ बीच में बोलते थे तो उससे हौसला बढ़ता था, ज़ोर से बोलो जय माता दी,
सारे बोलो जय माता दी। दो रास्ते फट गए, लेकिन किस तरफ जाए, इस तरफ या इस तरफ? यहाँ थोड़ा लंबा लग रहा है शायद, यहाँ चढ़ाई ज़्यादा है, मुश्किल बता देंगे। चलो तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि आवाज़ आती रहती थी वहाँ से, ज़ोर से बोलो जय माता दी, आवाज़ नहीं आई जय माता दी, वो मैं नहीं सुनया जय माता दी। ये बीच बीच में से रेड मार्क आपको दिखते रहेंगे, इसका मतलब आपको पता लगे कि आप ट्रेल पे हो। हालत ख़राब हो गई यार यहाँ में, बच्चे बच्चे आ रहे हैं यार, बताओ 12-12, 15-15 साल के। मेरी मानो ऊपर बहुत सही नज़ारे होने वाले हैं, और फॉरवर्ड भी नहीं है लेकिन काफ़ी सही नज़ारे होंगे, बिलीव मी। ऑल ऑफ अ सडन 1.5 किलोमीटर बाद वापस लग गया धरती पे आ गया हूँ, जैसे मतलब फ्लैट पे आ गया हूँ। आगे पीछे एकदम फ्लैट ट्रेल है, चारों तरफ पहाड़ है, लेकिन अभी तो यहाँ चल के वहाँ चलना है यार, वहाँ फिर ऊपर वहाँ जाना है, 2.5 किलोमीटर बचे हुए हैं। यहाँ साला अकेले चलने नहीं हो रहा, लोग अपने कुत्ते को गोदी में उठा के जा रहे हैं, हिम्मत है भाई हिम्मत है। लेकिन ठीक है यार, फर्स्ट टाइम के हिसाब से मैं अभी ठीक कर रहा हूँ, बाकी देखते हैं, जाना बहुत ऊपर है अभी। आप लोगों को एक टिप देता हूँ हाइकिंग की, कि कभी भी चढ़ो ना, जैसे ये पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए आपका, उस अपने पैरों को देखते रहो, कभी नहीं पता लगेगा कितना चढ़े हो। जैसे ही ऐसे करोगे एक बार भी ऊपर देखते चलोगे, ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा तो थक जाओगे, ये रहेगा तो चढ़ जाओगे बड़े आराम से। सो वी आर ऑलमोस्ट मोर देन हाफ वे डाउन, और टाइम भी 1 घंटा हो गया लगभग, और बीच बीच में ऐसे व्यूज़ दिखते हैं जो मोटिवेट करते हैं कि नहीं यार एंड तक जाना है, समिट तक जाना है। कितनी प्यारी बीच में ये लेक सी बनी हुई है पहाड़ के, इतना ऊंचा पहाड़ बचा है अभी। ये नज़ारा देख के लगता है किसी प्लेटो पे आ गए हूँ, पहाड़ चढ़ ही नहीं रहे हैं, कोई फ्लैट एरिया पे चल रहे हैं बस, लग देख के लग ही नहीं रहा। लेकिन अभी हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं। बीच बीच में ऐसे ये आपको मार्किंग दिखती हैं जो बताती हैं कि 3 किलोमीटर जाना है और 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर छोटी है और 3 किलोमीटर दूर जड़ है इसकी पहाड़ की, यानी हम 3 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। और बीच में बहुत ज़्यादा स्लोप आता है, स्पीड से उतरना पड़ता है, हाथ में कैमरा भी है। सो यार मेहनत तो कर रहा हूँ, सो बस आप भी इस मेहनत को रिवॉर्डिंग बना देना लाइक और सब्सक्राइब करके, भीख मांग रहा हूँ दोबारा। एक चीज़ आपको टिप और देता हूँ कि जब भी हाइक करनी हो, माउंटेन चढ़ना हो, जूते जो मर्जी पहन रखे हो, अपने टोज के नेल ज़रूर काट लेना यार, क्योंकि जब आप स्टीप पे उतरते हैं तो पैर आगे रिपटता है ऐसे, तो अंगूठा ठुकता है आगे उसमें जूते में, तो अपने नेल सारे कट करना बहुत सही रहेगा, तो पेन होगा आपको बहुत ज़्यादा। मैंने कल कर लिए थे अपने रात को। लुक एट दिस व्यू, नज़ारा देखो यार नज़ारा, सिर्फ 750 मीटर और बचा। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ दोबारा, प्लीज़ पूरी देखो इसको, एंड तक देखना। अगर नहीं रिवॉर्डिंग मिला ना व्यू आपको, तो डिसलाइक कर देना और बोलो, और सब्सक्राइब कर रखा तो अनसब्सक्राइब कर देना, गारंटी दे रहा हूँ मैं, ठीक है? ऐसे उतरना पड़ रहा है देखो यार, चट्टानों पर हाथ में कैमरा पकड़ के, आपको लग रहा है कि वॉक इन द पार्क है। लोगों ने ताले बांधे हुए हैं यहाँ पे डेट्स के साथ, हम भी ताले के आते, अब ऐसा हो गया है चक्कर आ रहे हैं, लेकिन बस चलने चले जाना है, चले जाना है, चले जाना है। ओहो, बिल्कुल पहाड़ के कोने पे खड़े हैं, लुक एट दिस। ये भी लकड़ी का एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, इससे भी लोगों ने कर रखे हैं अनपढ़ों वाले काम। उनको क्या लगा भाई यहाँ कैमरे लगे हुए, ऐसे ही कैमरा छोड़ के आना पड़ता है और वापस लेने आना पड़ता है, फिल्म की शूटिंग ही चल रही है। सो फाइनली वी मेड इट टू द टॉप, अभी आपको दिखाता हूँ क्या नज़ारा है और क्या चीज़
फेमस है यहाँ की, क्यों यहाँ इतना चढ़ के आए हो, क्यों लोग इतने क्यों इतने लोग आते हैं? Look at this view. और जो खास बात है इस रॉक की, अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो एक ये रेक्टेंगल है ऐसे 25x25 meter square का. This is the edge. और ये नीचे सेम, ये पूरी एकदम स्ट्रेट शार्प एज है, इसके नीचे गिरे खलास. अब यहाँ आराम से बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे जो सामान लाए हैं. सो हमने स्टार्ट किया था 1:10 पे और एग्जैक्ट 4 मैं यहाँ पहुँच गया हूँ. बीच में मैंने कई जगह रुक के रेस्ट भी लिया है, शॉर्ट्स भी लिए हैं, तो लगभग 1.5 घंटे में मैंने हाइक पूरी कर दी है. अभी आराम से घंटा भर यहाँ बैठेंगे फिर जाएंगे नीचे. नज़र नहीं हट रही यार. आप लोगों को डिस्टेंस बताना भूल गया, उस पॉइंट से लेके अगर नीचे गिरते हो आप 1000 meter है, 1000 feet नहीं 1000 meter, 1 kilometer डायरेक्ट नीचे है. इतना बड़ा क्रूज भी इतना सा दिख रहा है, पीछे आपको वाइट वाइट से दिख रहे होंगे वो छोटे छोटे यॉट हैं जो चीटी के बराबर दिख रहे हैं. When we wake, hear the birds and see the sun, side by side our fears are done, all the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight, found what we're looking for in life. एक फैक्ट आपको और बता दूं, यहाँ पर मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग भी हुई है. यहाँ से गिर जाता है जो टॉम क्रूज होता है और पूरा उसका आप देखेंगे यूट्यूब पे, आपको दिखेगा कैसे पूरा सेटअप किया था, रिग वगैरह लगाई थी किसी पल्पिट रॉक से, पल्पिट रॉक भी बोलते हैं, यहाँ पर शूटिंग हुई थी इसकी पूरी. अभी एकदम से बादल आ गए और हल्की हल्की बूंदे आ रही हैं, हल्की क्लियर हो जाएंगी चलते हुए बादल, आपको दिख रहा होगा ईजी ईजी दिख रहा है, खाते खाते बारिश आ गई है. ये भी करना पड़ता है बारिश से बचने के लिए, एक रॉक के नीचे छुप गया हूँ ताकि सामान वामान गीला ना हो. अभी सब खाना वाना खा लिया, लगभग 1 घंटा बैठ गया हूँ और बारिश हो चुकी है, रॉक्स आपको दिख रहे होंगे स्लिपरी हो जाएंगे, निकलना नीचे थोड़ा मुश्किल रहेगा. तो अभी के लिए इस व्यू से आपको लेना पड़ेगा अलविदा और थोड़ी देर आप लोगों को मेरे बैग में बैठना पड़ेगा, आपको सीधा नीचे निकालूंगा मैं. सो वेलकम बैक गाइज, आई होप, मुझे पता है बैग में आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, नज़ारे देखने में मज़े आते हैं लेकिन करना ही पड़ा कि नीचे उतरते टाइम पॉसिबल था नहीं कैमरे को होल्ड करना. अभी नीचे आ गया हूँ मैं और आने में मैंने लगाए हैं 1 घंटा 10 मिनट या 5 मिनट. हालांकि मैंने खाया इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो लेके गया था फालतू में मैंने बोझ लिया, चिप्स अदरकीज पड़े हैं, जैकेट कहीं काम नहीं आई, 2 केले पड़े हैं, ये भी ड्रिंक भी नहीं पी मैंने, एक सेब पड़ा है और एक कुकीज़ पड़ी हैं 2, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक योगर्ट खाया, एक सेब खाया, एक केला खाया, पानी दोनों बॉटल पी लिए मैंने, ख़त्म कर दी अपनी. लेकिन ठीक है, फर्स्ट टाइम के लिए बहुत अच्छा था, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार ये लाइक और सब्सक्राइब करें बगैर मत जाना. और मैंने जो बोला था, अगर आपको नहीं पसंद आई, आपको लगा कि नहीं पूरी वीडियो देखी है वर्थ इट नहीं था, डिसलाइक भी कर सकते हो आप, इतनी भी मैं चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर पसंद आई हो और देख रहे हैं यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना यार. बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, नमस्कार.